यूपी के मऊ जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडई देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा के नेता महेंद्र चौहान पर हमला कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। गौरतलब हो कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने सपा नेता की सरेआम पिटाई होती रही, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। वो एक आदमी था, बोला कि आप दारा चौहान के खिलाफ। मैंने कहा कि दारा चौहान के मैंने खिलाफ नहीं बोला। जी सर। और एक व्यक्ति अगर कोई गाली देगा तो पूरे समाज को गाली नहीं दिया जा सकता। तब तक मुख्यमंत्री को ऐसा गाली देने लगा तो कह रहा है कि दारा चौहान। हम कहे दारा चौहान को क्या कहे, वो तो एक व्यक्ति को कहे। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति गाली देता है समाज को, तो पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, ये कौन थे? पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो महाराज जी को गाली दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, मार के सही कर देंगे हम लोग। कोई भी बदतमीजी करेगा महाराज जी को गाली दिया गया, बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में सपा और भाजपा के नेता आपस में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के पोस्टर पर कर्णी सेना के जूतेबाजी को लेकर आपस में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान मौके पर मौजूद कर्णी सेना का कथित जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मारपीट पर उतारू हो गया और उसने अपने साथियों के साथ सपा नेता महेंद्र चौहान पर हमला बोल दिया। जब तक कि मौके पर मौजूद सपा के नेता कुछ समझ पाते, तब तक बीजेपी और कर्णी सेना के लोगों ने सपा नेता की बेरहमी से पिटाई कर दी। आनंद फानन में कुछ लोगों के बीच बचाव के चलते सपा नेता की जान बच सकी। हाँ, वो भी अगर गलत करते हैं तो उनको पार्टी से शिकायत करिए, लेकिन आप खुले आम समाज के बीच में जूता मारना अच्छी बात नहीं है। तो दारा चौहान के समर्थक में आप थे, आने वाले समाज को इकट्ठा करके इस पर हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी। दारा सिंह चौहान के समर्थक में आप थे? नहीं, हम समाज के समर्थक में। नहीं, चौहान समाज के। बीजेपी वालों ने आपको भी मारा है? जी, हमको तो इतना बुरी तरह से मारा है, हम कुछ उनसे कुछ कहे भी नहीं है फिर भी मारे हैं। कड़ी सेना के लोग फिर भी मारे हैं। क्या करेंगे? बीजेपी का गुंडई है क्या? हम एक गुंडई है। वहीं इस पिटाई से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया, क्योंकि जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं और जिलाधिकारी जैसे तमाम अधिकारियों के कार्यालय वहां पर मौजूद हों, वहां दिन दहाड़े इस तरह की गुंडई पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।